आस्था में जो भी आता है वो मन की मुराद पाता है। हिंदुस्तान शरीफ है, मजार शरीफ है, यहाँ भी आते हैं लोग, मन्नत मांगते हैं, जो मन्नत पूरी होती है फूल गले पर चढ़ाया जाता है, उनकी भी बारगाह में फातिहा खानी होती है, सरकार की बारगाह में शफा करते हैं, जो बीमार है उनको शफा करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद गुलाम हुसैन। दोस्तों, आज आया हूँ अल्लाह के एक वली हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक पर। ये आस्ताना शरीफ हिंदुस्तान का एक रियासत कर्नाटक, कर्नाटक में भद्रावती में सरकार का आस्ताना मुबारक है। इंशाल्लाह तबारक तआला सरकार के आस्ताना मुबारक पर जो भी खादिम मिलेंगे इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करवाऊंगा और जो भी डिटेल्स मिलेंगे आपको शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो वीडियो एंड तक बनी रही है। चलिए दोस्तों, सरकार के आस्ताना मुबारक के अंदर चले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाँ क्या जूद ओ करम है शहे बदहा तेरा, वहाँ क्या जूद ओ करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने। आस्थाना में जो भी आता है वो मन की मुराद पाता है, हुजूर के पास आते हैं, सरकार की बारगाह में शरीफ पाता है। कल शब मेराज हुआ और तमाम हजरात आए थे, सरकार बारगाह में आते हैं, सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, सबकी मन की मुराद पाते हैं। और ये सरकार और सरकार की मन्नतों की पूरी आता फरमाते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं घर के दराज हुआ मानते हैं सरकार के बारगाह में, उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। और मन्नत पूरी होने के बाद गले और फूल संगत पर चढ़ाया जाता है और 16 तारीख 17 और 18 तारीख मनाया जा रहा है। आने का एड्रेस पीके रोड भद्रावती हिंसा कॉलोनी का रास्ता जाता है, गांधी सर्कल से पीके रोड भद्रावती शाखा कोई भी बोलेगा तो भी बोलेगा। और वो सौ पेंट भी सब हुआ है, सब वगैरह इजलास विलास सब बुलाए गए हैं, सभी बारगाह में बहुत आलिशान से पैमाने 5,000-6,000 आदमी लोग जमा होंगे और दावत आम का भी इंतजाम किया गया जाएगा। और पीछे भी दरगाह है सैदानी माई के पूरी इनके पूरी राही हो पीछे देंगे, ये सैदानी माई की दरगाह करामत अच्छे होते हैं यहाँ ज़्यादातर, खासकर वैका आते हैं इधर और मरद वाले भी आते हैं यहाँ। यहाँ सैदानी माई के हक में वो आता फरमाते हैं, यहाँ का भी उर्स होगा, वो भी मिला के करते हैं उर्स। और पैमाने पे यहाँ भी बहुत अच्छी करामत होती है सैदानी अम्मा के पास, जो भी मन्नत मांगते हैं सरकार वो मन्नतों को पूरी अता फरमाते हैं सैदानी अम्मा, क्योंकि बारगाह में फूल गले सदक सब चढ़ाया जाता है। जो भी मन्नत मांगते हैं बैठ कर सरकार के पास सैदानी अम्मा के पास मांगते हैं सरकार, वो भी पूरी अता फरमाते हैं। और इधर है ना सभी मन्नतों की पूरी अता फरमाते हैं, लोग बहुत से बहुत ज़्यादा आते हैं इधर आकर कदम बोसी करते हैं, यासिन शरीफ दरूद शरीफ कलमा ये सब पढ़ते हैं इधर बारगाह में पढ़कर। और इस फातिहा खानी में जो भी शिरकत फरमाते हैं, जो भी हजरात इधर आते हैं, उनकी मन्नतों को पूरा असर होता है। और बहुत अच्छा करामत भी है सरकार की सैदानी अम्मा की बारगाह में भी दुआ करना, उधर उधर भी जाएंगे जो आस्थान है। यहाँ भी जो आस्थान शरीफ है मजार शरीफ है, यहाँ भी आते हैं लोग, मन्नत मांगते हैं, जो मन्नत पूरी होती है फूल गले पर चढ़ाया जाता है, उनकी भी बारगाह में फातिहा खानी होती है, रोज होता है लंगर आम भी चलता है। और बुजुर्गान भी नहीं सबसे बड़े दीन है आप ये सादात के बारगाह में सरकार के आस्थान में आए हैं, पीछे दरगाह है ये, उधर भी आते हैं मन्नत पूरी आता फरमाते हैं सरकार, इनकी भी बारगाह में दीवा आता फरमाते हैं। जो आस्थाने हैं जैन, यहाँ भी आस्थान हैं सैयद महबूब जी, ये भी दरगाह है अमृत जी, उनकी भी है करामत है, वो जलन पर चढ़ाते हैं। यहाँ के अशमत महबूब के वालिदैन दादी है, ये अशमत महबूब के दादी सैयद महबूब जी, उनकी भी मज़ार है इधर।
अगर सैयद सादात का उर्स है, इधर भी उर्स होता है, तमाम हाजरीन को गुजारिश की जाती है कि तमाम से तमाम कशिश फरमा कर सवाब हाजरीन हासिल करें और उर्स में मालामाल हो जाए। फैजान जो भी उनकी करामत है सरकार, जो भी मन्नत मांगते हैं उस मन्नतों को पूरी अदा करते हैं, सरकार की बारगाह में शफा करते हैं, जो बीमार हैं उनको शफा करते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं हज़रत सैयद सादात शाह रहमतुल्लाह की बारगाह में उनको फैज़ अता फरमाते हैं और करम अता फरमाते हैं, जो बीमार हैं उनको भी शफा अता फरमाते हैं, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता फरमाते हैं, जो परेशानी हाल में आते हैं, जो रो रो कर आते हैं परेशानी हाल में, जो भी मन्नत लेके आते हैं वो ज़रूर से ज़रूर हज़रत सैयद सादात शाह रहमतुल्लाह सरकार उनका हल निकालते हैं और उनका फैज़ान करम से सरकार फैज़ान करम हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी कबूल अता फरमाते हैं, सरकार भी दुआ अता फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानाए मुबारक के खादिम से मिलकर कैसा लगा, इंशाल्लाह तबारक तआला ज़रूर कमेंट कर बताएं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सरकारों के गुस्ताखों से दूर रहो, ईमान और सुन्नियत के साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।